अगली खबर में बात करते हैं कोविड को लेकर। प्रदेश में अब हर नए कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के सैंपल का जीनोम टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट के लिए सैंपल भोपाल के एम्स और ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से देश भर में कोविड के संक्रमण का अलर्ट जारी होने के बाद लिया है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य संचालनालय के एक सीनियर अफसर ने की है। स्वास्थ्य संचालनालय के अफसरों ने बताया कि चीन में कोविड का संक्रमण जिस वेरिएंट BF7 के कारण बढ़ा है, उस वेरिएंट का भी केस अब तक मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में इसके संक्रमण को बढ़ने से पहले नियंत्रित करने के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स की 100% जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। जीनोम टेस्ट की रिपोर्ट आने तक कोविड संक्रमित मरीज को आइसोलेशन में रहना होगा ताकि संबंधित संक्रमित मरीज से स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित ना हो। बुधवार को अलग अलग लैब से कोरोना के 71 सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। यह सैंपल सोमवार को जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य संचालनालय की कोविड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों के साथ विभिन्न अस्पतालों में पहुंचे 71 मरीजों को डॉक्टर्स ने कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी थी। कोविड टेस्ट के लिए भेजे गए 3 सैंपल को अलग अलग लैब के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इसकी वजह सैंपल का मानक स्तर का नहीं होना बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित सैंपल टेक्नीशियन और पैरा मेडिकल स्टाफ ने कोरोना गाइडलाइन के मानकों के अनुरूप लिए थे, लेकिन सैंपल कलेक्शन सेंटर से लैब के बीच ट्रांसपोर्टेशन के दौरान संबंधित सैंपल खराब हो गए। अब तीनों की कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए दोबारा लिए जाएंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता एवं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का सुझाव दिया था। साथ ही यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने की बात कही थी।